हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी एग्जाम कॉर्नर। फ्रेंड, सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है, तो सीएचएसएल में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, तो उसमें इरर जरूर होते हैं, एक दो नंबर का इरर होते हैं। तो आपको मालूम ही होगा, एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन बार बार देता है, जो कि उसके कुछ गिने चुने पॉइंट है जिस पर हमेशा पूछा जाता है। तो मैंने सोचा मैं अपने से तैयार किया हुआ एक ऐसा, आपको टू द पॉइंट ऐसे 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 रूल्स लाया हूँ जो कि एसएससी हर बार बार दोहराता है इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो ऐसे तो फ्रेंड मैं आपको बहुत चैप्टर वाइज करके आपको आपके लिए 10-10 रूल डेली पर वीडियो में मैं बताऊंगा कि 10 रूल इंपॉर्टेंट रूल कौन है जो जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिल्कुल ये टू दी पॉइंट है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि जो पूछा नहीं जाता है, मैं जो वैसे ही रूल बताऊँगा जो कि पूछे जाते हैं। बस मेरा मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएँ एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, जो कि आपको आने वाला है। मार्च में 2 ही 3 मंथ बचे हैं, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि आप कितने फ्रेंड का इंग्लिश बहुत वीक होता है, तो वीक वाले इंग्लिश में अब तो पूरा, जिनका फ्रेंड एग्ज़ाम नज़दीक है तो पूरा तो चैप्टर पढ़ नहीं सकते। तो मैं वैसे रूल ही उठा कर लाया हूँ जो कि पूछे जाएंगे और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके फ्यूचर के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड ये है, आपको 10-10 रूल मैं पर डे बताऊंगा। ये वर्ब चैप्टर से, वर्ब से शुरू करते हैं। तो वर्ब से पहला रूल है, पॉइंट ए है, वी ग्रुप। वी ग्रुप का मतलब होता है फ्रेंड, वी ग्रुप आप जानते हो, वी ग्रुप में इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है। तो वी ग्रुप, यदि वी ग्रुप का वर्ब एक्जुलरी वर्ब का काम करे, यानी कि वी ग्रुप एक्जुलरी वर्ब का काम करे, तो मेन वर्ब सिर्फ दो रूप में आएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद इज, एम, इज, आर, एम, वाज, वेयर आपको जहाँ कहीं भी दिखे, तो उसके साथ या तो फ्रेंड वर्ब थ्री लगेगा, और वर्ब थ्री लगेगा तो उसके साथ बाई प्लस एजेंट लगा होगा, या तो फ्रेंड वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड लगेगा, यानी कि आई एन जी लगा होगा या तो ई डी लगा होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वेयर आप जहाँ भी देखें तो आँख बंद कर आप वी थ्री या वी फोर खोज सकते हैं, या तो वहाँ वी थ्री होगा या वी फोर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है सी वाज। देखिए फ्रेंड, सी है सब्जेक्ट और उसके बाद वाज और वेयर आया हुआ है। तो देखिए इसमें से वाज वेयर हम बताए थे, इज, आर, एम, वाज, वेयर, तो वाज आया हुआ है, डैश बाई प्लस मोहन, तो यहाँ बताए थे वी थ्री के साथ बाई प्लस एजेंट आता है, तो बाई प्लस मोहन आ रहा है, तो यहाँ आपको सीधे पता चल जाता है कि यहाँ पर वी थ्री लगेगा, तो यहाँ पर चीट तो होगा नहीं। और चीटेड, यहाँ देखिए चीटेड वी थ्री है, तो यहाँ पर सीधे वी थ्री सी वाज चीटेड बाई मोहन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड सी इज लर्न इंग्लिश। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए सी के बाद इज आया हुआ है, सी के पास इज, तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट है सी और इज है, तो यहाँ देखिए बी ग्रुप में इज है, तो इज आया हुआ है, और लर्न इंग्लिश, तो बोले थे इज के साथ वर्ब थ्री या वर्ब फोर आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो वर्ब थ्री है तो ई डी लगा नहीं हुआ है, और वर्ब फोर आएगा तो यहाँ पर वर्ब फोर के लिए लर्निंग इंग्लिश होगा, यहाँ पर सी में पार्ट, सी पार्ट में गलत है। तो ये रूल वेरी सिंपल है फ्रेंड, एक बार मैं आपको, आप जो भी बैठे हुए हैं तो पेन कॉपी लेके बैठे और एक बार नोट कर लें फ्रेंड। ये देखिए, ये है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वेयर, पॉइंट नंबर वन है, प्लस वर्ब थ्री या वर्ब फोर लगेगा, और वर्ब वन, वर्ब टू या वर्ब फाइव आएगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड आप नोट कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड ये सेकेंड रूल है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बी ग्रुप के भर होता है, बी ग्रुप इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ऐसे करके आप 3-4 बार याद किए तो बी ग्रुप आपको याद हो जाएगा। लेकिन यदि वर्ब एक ज्वेलरी वर्ब का काम करे, यदि और टू उसके बाद टू आ जाए तो मेन वर्ब वी वन आएगा और कोई नहीं। देखिए फ्रेंड, अभी आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ अगर टू आ जाए तो वर्ब वन का, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, वाज, वेयर के बाद मैंने बताया था कि वर्ब थ्री या वर्ब फोर आता है, अगर इसके बाद इज, एम, वाज, वेयर के बाद अगर जस्ट उसके बाद अगर टू आ जाता है तो वर्ब वन लगता है, उसके बाद कोई भी नहीं लगेगा, टू के बाद हमेशा वर्ब वन ही आएगा, एकदम दिमाग में बैठा के रखिए।
जैसे कि अभी बताया था मैंने सी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर के साथ वर्ब थ्री या वर्ब फोर लगता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर के साथ अगर टू आ जाए तो हमेशा वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, वर्ब वन प्लस अदर वर्ड होता है और कोई भी वर्ब नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, सी सेज मी दैट, यहाँ तक तो सही है। सी वाज, देखिए सर, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सी है तो सी के साथ सी एक सब्जेक्ट है, वाज तो बी ग्रुप में इज एम और वाज वेयर है तो बी ग्रुप का आ गया वाज, इसके बाद टू है तो टू आ गया, तो टू अब टू आ गया तो इसके साथ वर्ब वन लगेगा तो वेंट है यहाँ पर, तो यहाँ वेंट नहीं होके यहाँ पर होगा गो, होगा गो देयर, सी वन टू गो देयर, यहाँ पर हम बोले हैं कि वर्ब वन लगेगा तो यहाँ पर वर्ब वन ही लगेगा। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो कि टू भी लेते हैं लेकिन वर्ब फोर का प्रयोग होता है, ऐसे भी अपवाद हैं। जैसे कि वैसे भी बी ग्रुप के साथ जो टू टू हो और भी वन हो, लेकिन अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो बी ग्रुप के साथ टू भी लेंगे लेकिन मेन वर्ब भी फोर का प्रयोग नहीं भी वन का होगा। जैसे कि देखिए फ्रेंड, इसको भी नोट कर लीजिएगा, सेकेंड सेकेंड रूल था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वेयर के साथ प्लस टू प्लस वर्ब वन हमेशा लेता है, तो दो रूल हो गए आपके आपके। और ये थर्ड रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर यानी कि बी ग्रुप के बाद, अगर आपको मैंने बताया था कि टू प्लस टू आ जाए तो वर्ब वन आता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि टू भी आता है तब भी वर्ब वन नहीं लेते हैं, ये वर्ब फोर लेते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द हैं, ये अपवाद में है ऐसे कि कुछ ऐसे ही, इसको याद करना पड़ेगा आपको। जैसे कि वो एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, एक्सट्रॉम टू, विथ ए व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यूज टू, तो ये ऐसे वर्ब हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ टू के साथ आते हैं और इसके बाद हमेशा भी फोर का प्रयोग किया जाता है, भी वन का नहीं। तो फ्रेंड इसको याद कर लीजिएगा, ये भी थर्ड रूल आपका हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर एडिक्टेड टू, हैबिटेट टू, एक्सट्रॉम टू, विथ ए व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यूज टू आए तो हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग होता है। फिर फ्रेंड जैसे कि हम एग्जाम्पल देके आपको बता देते हैं, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल, तो गैम्बल है यहाँ पर तो फ्रेंड आपको पता ही होगा गैम्बलिंग होगा, एडिक्टेड टू लगा हुआ है, टू के बाद आप वर्ब फोर का समझ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एडिक्टेड टू लगा हुआ है तो टू के बाद वर्ब फोर का आएगा, एडिक्टेड टू का प्रयोग होता है तो वर्ब फोर आता है, तो यहाँ पर गैम्बलिंग होगा, गैम्बलिंग, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, वह उसे जुए की बुरी आदत है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव यू, देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू आ गया फिर तो टू के साथ वर्ब फोर आएगा तो रिसीविंग होगा यहाँ पर, यहाँ पर। तो फ्रेंड ये थर्ड रूल था आपको, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर वाज वेयर के साथ अगर एडिक्टेड टू, हैबिचुअस टू, हैबिट्यूट टू, एक्सट्रॉम टू, विथ ए व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू और यूज टू आए तो हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग होता है। और ये आपका चौथा पॉइंट है फ्रेंड, ये फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि कुछ ऐसे बने बनाए एक्सप्रेशन आते हैं जिनके साथ वर्ब टू हमेशा लगता है, जैसे कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट रहता है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनके साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रहे यदि तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी टू आना मस्ट है, तो ये देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज जस्ट अपॉर्चुनेट टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट आता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, इट इज टाइम सी गोज टू बेड, तो यहाँ इट इज टाइम लगा है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू होगा तो यहाँ सब्जेक्ट गोज, ये गो वेंट गोन गोन होता है, गो वेंट गोज तो यहाँ पर वेंट होगा, गो वेंट, तो यहाँ पर बी मेरा। तो थर्ड, ये फोर्थ रूल क्या होगा फ्रेंड, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम टाइम और इट इज जस्ट अबाउट टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट लेता है। और पांचवा पॉइंट है फ्रेंड,
5.5 ही पढ़ाता हूँ, जो कि आपको आपको याद करने में भी आसान रहेगा और मुझे मुझे बताने में भी। और 5 पॉइंट आपको ये कंठस्थ हो जाता है तो मेरा सेकंड वीडियो का इंतजार कीजिए, सेकंड वीडियो भी आएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लगातार मैं सीरीज चलाते रहूँगा और मैं पूरे वीडियो का लगातार जो भी है, जितना भी चैप्टर है इंग्लिश का, मैं सबका एरर के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इंप्रूवमेंट के लिए सोचना ही पड़ेगा, क्लोज टेस्ट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपका इतना मजबूत हो जाएगा ये कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंप्रूवमेंट, और ज़्यादातर इंप्रूवमेंट भी पूछ रहा है और अरेंजमेंट भी पूछ रहा है क्वेश्चन का अरेंज करना, तो वो भी उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सारे ट्रिक। तो ये सारे रूल आप एक बार याद हो जाता है तो आपको आगे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पांचवा रूल है ये कि इट के बाद आशा है, और होप मैं आपको अच्छा से समझा पा रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे होंगे। तो इट के बाद इज आवाज के तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं। देखिए इट अगर आपको कहीं भी शुरू में देखे और उसके बाद इज या आवाज रहे, जैसे कि इट के तुरंत बाद आप देखते हैं इट इज जोकिंग, इट इज रनिंग, इट इज ईटिंग, तो ऐसे में इट के बाद इज या आवाज रहे तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए और प्लस हु प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस मतलब जो ऑब्जेक्ट हो उसका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, देखिए इट इज मी हु एम ए थीप। देखिए इट के बाद इज आवाज बोले थे और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बोले थे आने के लिए, तो मी क्या है, मी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, इसका मी का क्या होता है, आई होता है सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्ट इसका आई होगा, तो इट इज आई हु एम आई ए थीप, यहाँ पर इसका आंसर होगा इट इज आई हु एम आई ए थीप। और नेक्स्ट है इट वाज हु इज ए थीप, तो यहाँ पर इट है इसके बाद वाज आया है, देखिए इट के बाद तुरंत वाज आया है, हु इज ए थीप, तो यहाँ ए थीप नहीं होगा एम थीप होगा, कि यहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए तो आई हो जाएगा, यहाँ पर एम होगा हु एम आई ए थीप। तो फ्रेंड ये था मेरा 5 रूल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर बताएं और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। और ऐसे ही मैं रूल आपको टू दी पॉइंट एग्जाम का होता है, इसमें आपको 30-40 रूल्स है जो कि आप जो आपको मैं बता दूंगा, तो वर्ब चैप्टर के लिए तो आपको सोचना है, वर्ब के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि फर्दर एग्जाम जो आएगा भी और आने वाला भी होगा। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और फ्रेंड एक बार सब्सक्राइब करें और मेरे प्लेलिस्ट जरूर चेक करें मेरे चैनल का, जो कि जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। ओके फ्रेंड बाय।